हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्सरसाइज 7.1 का। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर दिया हुआ है आपको, एसी इक्वल है एई के। ये एसी जो है ये इक्वल है एई के, एसी इक्वल है एई के। देखें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेंगे पहले, एसी इक्वल है एई के, और ए बी इक्वल है ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के। ए बी इक्वल है ए डी के, ये भी अपने को गिवन है। और एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। देखिए बी ए डी कहाँ है, बी ए डी इट मीन्स ये वाला एंगल अपने को गिवन है, ये वाला एंगल इक्वल है ई ए सी के, ई ए सी के इस एंगल के इक्वल है, ये इस एंगल के इक्वल है। अब हमें क्या शो करना है, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि बी सी इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है डी ई के, ये हमने शो करना है। अब देखिए बी सी कहाँ है, ये बी सी यहाँ है, और डी ई कहाँ है, डी ई ये यहाँ है, बी सी और बी सी ये है और डी ई ये। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल दिख रही है अपने को ए डी ई, देखिए मैं इसको डबल लाइन से डिनोट कर लेता हूं जिससे आपको क्लियरली नजर आए। इसको डबल लाइन से डिनोट करने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ताकि क्लियरली समझ आए। देखें ये जो मैंने डबल कर दी है ट्रायंगल, इस वाली ट्रायंगल को, और जो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल जो आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रेंट। अगर हम इसको कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं तो बाईसीपीसीटी से हम बोल सकते हैं कि बीसी जो है साइड वो इक्वल आ जाएगी किसके, डी ई के, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हम ये बात बोलेंगे। यहाँ पे तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ट्रायंगल कौन कौन सी ले ली जाए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ए डी ई, ए डी ई के अंदर हम बात करेंगे, ए डी ई में हम बात करेंगे। अब यहां पे देखें ए बी सी ट्रायंगल में अगर बात करें तो ए बी इसकी साइड ए बी, और ए डी ई ट्रायंगल की बात करें तो ए डी ई की कौन सी साइड इक्वल है, ए डी ई की, ए डी ई की ए डी साइड, ये देखो ये दिया है अपने को, ए बी इक्वल है, यहाँ पे लिखें ए बी इक्वल है ए डी के, सॉरी ए बी इक्वल है ए डी के, ये गिवन है अपने पास। अगला देखते हैं, आगे है अपने पास इस ट्रायंगल का, जो ये ट्रायंगल दिख रही है अपने को ए बी सी, इसकी तो ए सी साइड, ए सी साइड इक्वल है, और दूसरी की कौन सी ए ई, ये साइड इस ट्रायंगल की ए बी सी की तो कौन सी साइड हो गई ए सी, और इस ट्रायंगल की कौन सी साइड ए ई, ये इक्वल हो गई, ये क्या हो गए, गिवन है, ये भी अपने पास गिवन है। अब एक और जो क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए एक चीज और बची है, वो हम इक्वल कर लें तो अपना काम हो जाएगा। यहां पे अपने पास एंगल दिया हुआ है, एंगल बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये गिवन है। अब यहां देखते हैं तो बी ए डी जो है वो इक्वल है ई ए सी के, जैसे मैंने डिनोट कर चुका, ये है ई ए सी, ई ई ए सी, इस वाले और इस वाले एंगल के इक्वल दिया है। अब मैं बात कर रहा हूं पूरी ट्रायंगल ए बी सी की, तो पूरी इसकी बात करेंगे, पूरे एंगल ए की बात करेंगे, पूरे एंगल ए की बात करेंगे। सिमिलरली जब ट्रायंगल ए डी ई की बात करेंगे तब भी पूरे एंगल की बात करेंगे, लेकिन इसमें ये चीज जो है, यहां जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, देखो मैं इसको डार्क करके दिखाता हूं, ये जो बीच में एंगल बचा हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ये एंगल बचा हुआ है, और इस ट्रायंगल में भी ए डी ई में भी ये एंगल बचा हुआ है। अब हम क्या कर दें कि ये जो इक्वल दिए हैं अपने को, इसमें बोथ साइड ये एंगल हम जोड़ सकते हैं, सेम चीज हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे बोथ साइड, बी ए डी में क्या ऐड कर दें हम एंगल, डी ए सी, क्या एंगल ऐड कर दें, डी ए सी, और इधर भी क्या कर दें, डी ए सी ही इधर कर दें, तो बैलेंस रहेगी इक्वेशन, ओके। अब यहां पे बी ए डी में अगर मैंने डी ए सी ऐड किया है तो क्या बन गया, बी ए डी में
इस वाले एंगल में अगर मैं ये ऐड कर दिए है हमने, तो यहां से मैं लिख सकता हूं बी ए सी, एंगल क्या बन गया, एंगल बी ए सी इक्वल टू, इसमें ई ए सी में, ई ए सी में अगर हमने ये ऐड कर दिया तो अब ये क्या बन गया, ई ए डी, इसको क्या लिख देंगे, एंगल ई ए डी। ओके, अब यहां पे हम देखें तो देखो ये, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी की, तो ये साइड हो गई इसकी और ये पूरा एंगल ए हो गया, यहां से लेके यहां तक का हो गया ना, यहां से लेके यहां तक का एंगल, तो साइड ये एंगल हो गया और ये साइड देखो ये एबीसी की भी साइड है ना, तो साइड एंगल साइड। सिमिलरली इसमें भी देखें तो देखो इस वाली ट्रायंगल में ये साइड हो गई, ये साइड, साइड एंगल ये बीच में हो गया और ये साइड हो गई, तो बोलेंगे देयरफोर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, देखिए ना साइड आ रही है फिर एंगल आ रहा है और फिर साइड आ रही है, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से क्या ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट होती है ट्रायंगल ए डी ई के। देखिए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके शेप और साइज इक्वल हो, यहां पे अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल हम लिखते हैं जिसके कॉन्ग्रेंट, बड़ा सोच समझ के हमें लिखना होगा, यहां देखिए ए के साथ में ए आएगा, यहां इस ट्रायंगल की बात करें ए डी ई की तो ये कैसे फिक्स होने वाली है, देखिए ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये जो ए डी है वो कहां आने वाली है, ए बी पे आने वाली है, ये कहां आने वाली है, ए बी पे आने वाली है, और जो ये ए ई है वो कहां आने वाली है, ए सी पे आने वाली है, ए सी पे, और जो बी सी है साइड पे कौन सी साइड आएगी इस ट्रायंगल की, डी ई, ये यूं घूम के ये ट्रायंगल यहां से और इसको इधर ले आना है, बी सी पे सेट करना है, इट मीन्स तो यहां देखें तो बी कहां आएगा, डी पे आएगा, देखो मैंने लिखा है बी कहां आएगा, डी पे आएगा, और सी कहां आएगा, सी पे क्या आएगा, ई, ई आएगा, तो ऐसे सोच समझ के हमें लिखनी है, और ए एंगल पे यही रहेगा, ये घूमेगी यहीं, तो अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, अब हमने क्या करना था इसके अंदर, हमें करना था कि बी सी इक्वल है डी ई के, तो यहां से हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि ये बी सी पे क्या आ गया, इसका इस ट्रायंगल का डी ई आ गया, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी से बोलेंगे, सी पी सी टी मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, और इनकी कॉन्ग्रेंसी की जितनी भी कंडीशंस हैं वो मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में सभी बताई हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं।